कोरोना वायरस जैसी खतरनाक महामारी से चीन अभी उभर भी नहीं पाया था कि अब उसके सामने नई मुसीबत आकर खड़ी हो गई है। दरअसल कोरोना वायरस के बाद अब आग ने चीन में कहर बरपाया है, जिसमें अब तक 19 लोगों की मौत हो चुकी है। चीन के दक्षिण पश्चिम प्रांत सिचुआन में जंगलों में भयंकर आग लग गई है। इस आग को बुझाने में 18 फायर फाइटर सहित 19 लोग मारे गए हैं। चीन की सरकार मीडिया के मुताबिक सोमवार को स्थानीय समय के मुताबिक 3:51 पर आग लगी। आग लगने के कुछ ही देर बाद स्थानीय पहाड़ों में फैल गई। चीन में इस समय मौसम गर्म है और हवाएं भी तेजी से चल रही हैं, जिसके कारण आग तेजी से फैल रही है। चीन की सरकारी न्यूज एजेंसी शिन्हुआ ने कहा कि आग बुझाने गए 18 दमकल कर्मी और एक स्थानीय किसान अचानक पहाड़ों में फंस गए। न्यूज एजेंसी के मुताबिक जब ये लोग आग बुझा रहे थे, उस दौरान अचानक से हवा का रुख बदल गया और ये सभी लोग पहाड़ों के बीच फंस गए और जलकर मर गए। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।